नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। सोमवार को इनकी कीमत 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई और बीते दो हफ्तों में ये 8 रुपए 40 पैसे बढ़ चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 81 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए से अधिक हो चुकी है। मालूम हो कि बीते दो हफ्तों में ये 12वीं बार बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 83 पैसे हो चुकी है और डीजल की कीमत भी 103 रुपए से अधिक हो चुकी है। चेन्नई में पेट्रोल 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि डीजल 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कीमत बढ़ने के बाद कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपए 45 पैसे और डीजल 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल के महंगा होने के कारण पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते बीते महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर थे, यानी कि रुके हुए थे, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन अब इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर इसी तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रहीं तो आम आदमी पर महंगाई की मार और तगड़ी पड़ेगी। दूसरी ओर सीएनजी के दाम भी आज बढ़ाए गए हैं। इनको एकदम से 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ा दिया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलोग्राम है, जो आज सोमवार से प्रभावी हो चुकी है। पिछले महीने 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद से सीएनजी की कीमतों में यह 7वीं बार बढ़ोतरी की गई है। तमाम टैक्स और अन्य स्थानीय करों की वजह से कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य और शहरों में अलग अलग हो जाती हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। अभी पिछले शुक्रवार को दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में भी 80 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई थी। कुल मिलाकर पिछली 7 बढ़ोतरी के बाद कीमतों में लगभग 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि ग्लोबल लेवल पर गैस की कीमतों में उछाल के कारण ये वृद्धि हुई है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, बढ़ती महंगाई और महंगे होते एलपीजी सिलेंडर के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर बताया कि 2014 के मुकाबले कार, बाइक, ट्रैक्टर और ट्रक की टंकी भरवाना अब कितना महंगा हो गया है। राहुल गांधी ने इसको प्रधानमंत्री जनधन लूट योजना बताया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें बताया गया है कि साल 2014 में बाइक की पेट्रोल टंकी फुल कराने में मात्र 714 रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब 1038 रुपए देने पड़ रहे हैं। कार की टंकी फुल कराने में 2014 में जहां 2856 रुपए लगते थे तो अब 4152 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से ट्रैक्टर को लेकर भी राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किया है उसमें बताया गया है। मालूम हो कि चुनाव के बाद से महंगाई एक बार फिर से सरपट दौड़ रही है। तेल की कीमतों के अलावा रसोई गैस, सीएनजी और बाकी चीजें भी महंगी हो रही हैं। पिछले दिनों संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। विपक्ष ने उनके बयान का विरोध किया और कहा कि भारत रूस से तो अपना जो जरूरत उसकी होती है उसका 5% से भी कम तेल खरीदता है, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। तो ये तो थी आज की खबर। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।